चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर द पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, द रिलेशन बिटवीन टी वन टी टू एंड टी थ्री कितना होगा। तो सबसे पहले देखो, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, तो इधर होगा टी वन का एक कंपोनेंट होगा टी वन कॉस थीटा, और टी वन का दूसरा कंपोनेंट होगा टी वन साइन थीटा। टी टू का कंपोनेंट कितना होगा इस डायरेक्शन में, टी टू कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी टू साइन थीटा। तो अगर ये पॉइंट जो है, ये सिस्टम ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो टी वन साइन थीटा और टी टू साइन थीटा इक्वल होगा। साइन थीटा कटा, यानी टी वन इज इक्वल टू टी टू, ये पॉइंट याद रहेगा। अब देखो, थ्रेड में टेंशन थ्रू आउट एक होता है, तो ऑब्वियस बात है यहां पर भी टी होगा, तो टी थ्री की वैल्यू भी टी के इक्वल हो गई, तो ऑब्वियस बात है टी वन टी टू और टी थ्री तीनों इक्वल हो गए, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, डी वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।